8 जिलों में आज बारिश के आसार, शिमला में हुई हल्की बूंदाबांदी। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में शुक्रवार को बारिश के आसार हैं। 4 मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। वीरवार को राजधानी शिमला में शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। ऊना में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 12 जून तक मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 12 जून तक धूप खिली रहने की संभावना जताई गई है। वीरवार शाम को शिमला में 0.6 और सुंदरनगर में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शुक्रवार को कुछ मैदानी जिलों में गर्म हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट है। राष्ट्रपति आज धर्मशाला में सीयू के विद्यार्थियों को बांटेंगे डिग्रियां। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के 6वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को विद्यार्थियों को डिग्रियां देकर सम्मानित करेंगे। राजकीय डिग्री कॉलेज धर्मशाला में होने वाले इस समारोह में 585 होनहारों को डिग्रियां बांटी जाएंगी, जिनमें से यूजी और पीजी स्तर के 10 गोल्ड मेडलिस्टों को राष्ट्रपति खुद डिग्रियां देंगे। एचपीसीयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर विशाल सूद ने बताया कि 5:30 बजे राष्ट्रपति का सम्मान समारोह होगा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से बहस के बाद प्राचार्य ने मारने के लिए निकाली चप्पल। डिग्री कॉलेज रामपुर बुशहर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के प्राचार्य से बहस हो गई। इसके बाद प्राचार्य ने आपा खो दिया और उन्हें मारने के लिए चप्पल निकालकर हाथ में पकड़ ली। एक दिन पहले की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीरवार से प्राचार्य छुट्टी पर चले गए हैं। उधर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता इकाई अध्यक्ष तरुण कैद के साथ कॉलेज प्राचार्य पीसीआर नेगी से बुधवार को मिलने उनके कार्यालय पहुंचे थे। वे इस बात पर नाराजगी जता रहे थे कि जब 3 जून को परीक्षाएं होने के बावजूद भाजपा के सीएम जयराम ठाकुर के कार्यक्रम को पाठ बंगला मैदान में मंजूरी दी गई, तो 6 जून को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के कार्यक्रम के लिए क्यों इनकार किया गया। इसी बीच बहस इतनी बढ़ गई कि प्राचार्य ने आपा खो दिया और चप्पल निकालकर छात्रों को मारने के लिए निकाल ली। युवा कांग्रेस ने रामपुर कॉलेज के प्राचार्य को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। लड़भड़ोल के धुंड पुल से खड्ड में गिर गई कार, दंपति की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बैजनाथ लड़भड़ोल मार्ग पर सियूण के पास धुंड पुल से एक कार खड्ड में गिर गई। हादसे में दंपति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जोगिंदरनगर अस्पताल भेजे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मृतकों की पहचान लड़भड़ोल पुलिस चौकी में बतौर होमगार्ड तैनात सतीश कुमार और उसकी पत्नी सीमा देवी निवासी रोपा के रूप में हुई है। सीमा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। पुलिस के अनुसार बुधवार देर रात सतीश कुमार पत्नी के साथ अपने ससुराल चेलचतरा जा रहा था। इस दौरान बैजनाथ लड़भड़ोल मार्ग पर धुंड पुल से कार अनियंत्रित होकर खड्ड में गिर गई। इसमें दोनों की मौत हो गई। 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म, हिमाचल बोर्ड इस दिन घोषित करेगा रिजल्ट। हिमाचल में 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। यह परीक्षा परिणाम अगले 10 दिन में घोषित किए जा सकते हैं। शिक्षा बोर्ड ने लगभग इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं परीक्षा परिणामों की तैयारी के लिए अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यह बात गुरुवार को शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने दी है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में प्रस्तावित पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद ही इन परीक्षा परिणामों को घोषित करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र बेसब्री से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उनका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। यह परीक्षा परिणाम इसी माह घोषित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि हिमाचल बोर्ड 18 जून के आसपास परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है। परीक्षा परिणाम घोषित करने से पहले बोर्ड पूरी सूचियों की एक बार फिर से जांच करेगा, ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो और उससे विद्यार्थियों को परेशानी ना हो। कांग्रेस में दिल्ली के बाद अब प्रदेश में भी माँ बेटे का राज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में इन दिनों खूब भगदड़ मची हुई है। उन्हें कई कांग्रेस नेता व्यथा सुना रहे हैं कि दिल्ली में माँ बेटे का राज है, अब प्रदेश में भी वही हाल हो गया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी वर्षों की मेहनत का आज की कांग्रेस में कोई मोल नहीं है। मंडी जिले के पंडो के सयोल में 2.25 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण करने के बाद जनसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। जयराम ने कहा कि द्रंग के एक बड़े कांग्रेसी नेता आजकल गायब है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने घबराकर 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना लिए, हालांकि सभी नाम के ही हैं, किसी के पास पावर नहीं है। निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने विधानसभा पहुंची कांग्रेस।
जोगिंदरनगर और देहरा विधानसभा क्षेत्र से जीते निर्दलीय विधायकों प्रकाश राणा और होशियार सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने दोनों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दल बदल कानून का हवाला देकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी ने विधानसभा सचिवालय को कार्रवाई करने के लिए ईमेल भेजी है। बुशहरी ने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए राय ली जा रही है, चुनाव आयोग से भी मामले की शिकायत की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दोनों विधायकों ने संविधान के संशोधित दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हिमाचल को मिलेंगे 400 करोड़। हिमाचल प्रदेश के हर जिले के शहरी क्षेत्रों में वेलनेस हेल्थ सेंटर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और ब्लॉकों में लैब क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत राज्य में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार को 400 करोड़ रुपए जारी करेगी। इसे लेकर प्रदेश सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बीच MOU साइन हुआ है। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए की है कि अगर कोरोना की तरह अन्य महामारी फैलती है तो उसे समय पर निपटा जा सके। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वेलनेस हेल्थ सेंटरों में डॉक्टरों की टीमें तैनात रहेंगी। बेटे की सीटी पर चलती है पिता की बस, दिलचस्प बनी जोड़ी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कुल्लू डिपो में पिता पुत्र सेवाएं दे रहे हैं। निगम में पिता चालक और पुत्र परिचालक के पद पर कार्यरत है। दोनों की जोड़ी दिलचस्प बन रही है। बेटे की सीटी पर पिता बस की ब्रेक लगा रहे हैं। खास बात यह है कि यह एक साथ एक ही बस में 1.5 साल तक ड्यूटी दे चुके हैं, जो काफी रोचक है। गौर रहे कि फरवरी 2016 में पुत्र के निगम में भर्ती होने के बाद दोनों ने एक साथ ही एक ही रूट पर सेवाएं देना शुरू किया। गौरतलब है कि गांव हटौन, डाकघर शिवाबधार, जिला मंडी के पिता पुत्र निगम के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बारिश न होने से मुरझाने लगी टमाटर और शिमला मिर्च की फसल। बारिश न होने से टमाटर, शिमला मिर्च सहित दूसरी सब्जियां सूखे की चपेट में आ गई हैं। तेज धूप से शिमला मिर्च और टमाटर पूरी तरह से मुरझा गए हैं। 2 सप्ताह पूर्व बारिश हुई है, लेकिन इसकी नमी ज्यादा दिन तक खेतों में नहीं रह पाई। पिछले 4 दिनों से बढ़ते तापमान से सब्जियां सूखने लगी हैं। सबसे अधिक नुकसान टमाटर और शिमला मिर्च को पहुंच रहा है। सोलन में 8100 हेक्टेयर भूमि पर टमाटर की खेती होती है। 90% किसानों की आय का मुख्य साधन टमाटर ही है। जिले के 65% किसान बारिश पर ही निर्भर हैं। बारिश न होने से संबंधित क्षेत्र के किसान परेशान हो गए हैं। सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी रोजाना फसलों की सिंचाई करनी पड़ रही है। तेज धूप से एक ही दिन में खेतों की नमी सूख रही है। इस कारण इन क्षेत्रों में फसलें मुरझाना शुरू हो गई हैं। 1 सप्ताह में बारिश नहीं हुई तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। FIR करने पर भड़के पेंशनर, बोले आवाज दबाने की कोशिश ना करे सरकार। बुधवार को HRDC पेंशनर और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद लगे जाम के मामले में 10 पेंशनरों के खिलाफ FIR होने पर परिवहन पेंशन कल्याण संगठन भड़क गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार पेंशनरों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। संगठन के प्रधान सत्य प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष KC चौहान, महासचिव सत्य प्रकाश शर्मा और महासचिव सुरेंद्र कुमार गौतम ने कहा है कि FIR दर्ज कर वरिष्ठ नागरिकों को डराने की कोशिश की जा रही है। पेंशन संगठन ने 12 मई को HRDC मुख्यालय के सामने धरना देकर मांगे उठाई थी और 8 जून को सचिवालय मार्च का ऐलान किया था। नाबालिग छात्रा बोली, स्कूल का डायरेक्टर करता है छेड़छाड़, मामला दर्ज। हिमाचल के सोलन जिला में गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हुआ है। जिला सोलन में एक नाबालिग छात्रा ने एक निजी स्कूल के डायरेक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत महिला पुलिस थाना सोलन में दर्ज करवाई गई है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए CBSE बोर्ड के इस निजी स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार एक नाबालिग छात्र ने स्कूल के डायरेक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार यह छात्रा हॉस्टल में रहती है। नाबालिग ने अपनी शिकायत में बताया है कि हॉस्टल व स्कूल में जब वह अकेले होती है तब डायरेक्टर उसके साथ गलत हरकतें करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।